अच्छा तो अभी सुबह के ना 10 साढ़े 10 बज रहे हैं। चाय नाश्ता कर लिया मैंने और सब लोग अपने अपने काम पे चले गए हैं और अब बचे मैं और निशु। तो चाय नाश्ता मैंने भी कर लिया, निशु को भी करा दिया। तो अब मैं यहाँ पे चद्दर वगैरह चेंज कर रही हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। तो चाय नाश्ता करने के बाद मेरे घर की सफाई का ही मैं काम स्टार्ट करती हूँ। ये मेरा रेगुलर का काम है, मतलब सबका रेगुलर का काम होता है, नॉट मी, सब लोग ऐसे ही काम करते होंगे। तो बस जब सबके जाने के बाद थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करती हूँ, थोड़ा बहुत माइंड को फ्रेश करती हूँ, उसके बाद जो है घर के काम में लग जाती हूँ। तो मैं एक बार जब घर के काम में लग जाती हूँ ना, तो काम को फिनिश करके ही तसल्ली से बैठती हूँ, अदरवाइज़ ना मन को शांति नहीं मिलती है। अगर ऐसा लगता है ना कि कोई काम पेंडिंग में है, तो फिर किसी और चीज़ में दिमाग कैसे लगेगा? जब तक आपका काम फ्रेश नहीं होगा, तो आपका दिमाग भी मतलब इधर ही भागेगा कि हाँ अभी आपका काम बाकी है। तो पानी में बार बार हाथ डाल रही थी ना, तो हाथ एकदम बर्फ़ की, तो बार बार हाथ पानी में जाने की वजह से ठंडे हो जाते थे। तो इसीलिए ये कमरा ना, लिविंग रूम और मेरा रूम, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आज तो कुछ शुक्र है कि पता नहीं मौसम बाहर कैसा है कैसा नहीं है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो गलनपन होता है ना, जो फेस पे ठंडा ठंडापन आता है ना, वो आज नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को इतना फास्ट रूटीन दिखाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं स्लोली स्लोली वीडियो बनाऊंगी ना, तो पता नहीं ये वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी। पता कितने हाँ, इन कामों को करने में टाइम लगता है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग बोर हो जाएं, मैं भी इस तरीके की किसी की वीडियो देखूंगी तो मैं भी बोर ही हो जाऊंगी। तो बाकी सारे कमरों में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पोछा किया, तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया कि फ़ोन आ गया था मेरे घर से, मम्मी का है ना, तो वो फ़ोन उनका कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, तो वही बताने के लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे बालकनी पे आ गई थी, क्योंकि 4-5 दिन लगातार बारिश हुआ था ना, और आपको पता तो है कि यहाँ पे कबूतर कितना ज़्यादा जो है गंदगी मचाते हैं। तो आज देसी स्टाइल में मेरे घर की साफ़ सफाई हो रही है, देसी कह लीजिए विदेशी कह लीजिए। तो बस लग गई है कि बाहर मौसम देखा और गलनपन जो है ना कम देखा, मैंने कहा बस अब बेटा शालिनी लग जाओ कि हाँ तुमको सब कुछ साफ सुथरा करना है। क्योंकि ठंड में ऐसा होता था ना कि बहुत सारी चीज़ें करने का मन नहीं करता था, और ये वाला वॉशिंग मशीन मुझे बेचना है और बेच नहीं पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा ठंड की वजह से, इसको भी मुझे यहाँ से हटाना है, ये बेचना है। तो सारी बालकनी मैंने आज फाइनली धो डाली। फिर जब मैं बालकनी धोने से पहले ही, मैंने 1 घंटे पहले, सफाई से भी 1 घंटे पहले ही मैंने कपड़े मशीन में लगा दिए थे। तो मैं अपने कामों को ना ऐसे ही निपटाती हूँ। और मेरी सिस्टर जो है ना यहाँ पे आने के लिए बहुत ज़्यादा जिद कर रही हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस कि मैं उनको कैसे बुलाऊं, बिकॉज़ अभी कोविड का टाइम चल रहा है और मैं नहीं चाहती हूँ कि रास्ते में उनको कोई प्रॉब्लम हो। एक बार मैंने टिकट उनकी कैंसिल करवाई है, अब दोबारा मैंने आज बोला है फ़ोन करके उनको कि चलो ठीक है मैं दोबारा टिकट पता करती हूँ, तो वो बोल रही है कि वो बस से आ जाएंगी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बस दिल्ली के लिए जो बस आती है वो मुझे सेफ़ नहीं लगती है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में हूँ। तो आप लोग क्या कहते हो मुझे कमेंट में लिख भेजना, क्या आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस सिचुएशन में, मुझे उनको बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं घर के, तो ये सभी चीज़ें जो मैं ऐसी ऐसी सारे काम निपटाती हूँ, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ में हाथ डाल के बैठ जाऊँ, उधर कपड़े लगा दिए तो उधर झाड़ू लगाने लग गई, ताकि मेरे काम जो है ना टाइम टू टाइम सारे होते रहें। तो इधर आप देख सकते हैं मैं आलू छील के धो के उबालने के लिए रख दिया है, जब तक आलू उबलेगा तब तक मैं ब्रश कर लूँगी, क्योंकि अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया, एक बार सुबह चाय मैं पी ही लेती हूँ। तो अब मैं निशु को भी बुलाऊंगी, और हालांकि उसको बुखार है तो मैं उसको आज नहलाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ अकेले ही नहाऊंगी, बस उसको भी ब्रश करा के मुंह धुला के, और उसके हाथ मुंह धुला दिए मैंने, अच्छे से धुला दिए, और कपड़े चेंज कर दूंगी यहाँ पे उसके, ताकि उसको भी थोड़ा सा फ्रेश फील हो। और बुखार है इसी वजह से मैं उसको नहीं नहला रही हूँ, और ताकि कहीं बुखार दोबारा रिपीट ना कर दे। अभी वो 3-4 दिन के बाद बेड से उठा है, तो मैं ज़्यादा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसके हाथ मुँह धुला के अच्छे से कपड़े चेंज कर दिए, बालों में तेल वगैरह लगा दिया, तो बच्चा भी थोड़ा सा फ्रेश फील करेगा। अब मैं नहाने जा रही हूँ, नहा के थोड़ा सा जो है मेकअप करूँगी, और जब तक मैं मेकअप करके आऊँगी और मेरे आलू वगैरह सब हो चुके होंगे, तो यहाँ पे मैं, मेरे आलू भी हो गए थे, मैंने आटा भी निकाल के रख दिया था। तो इसी तरीके से गाइज मैं अपने काम निपटाती हूँ। लोगों को ऐसा लगता होगा कि
हाँ मैं बस मेकअप करके बैठ जाती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों की गलतफहमी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई काम तो करना ही है, तो वीडियो भी साथ के साथ शूट करने लग गई मैं, और अपना जो रेगुलर के मेरे काम होते हैं वो भी मैं करने लग गई। और शादी से पहले लोग बिना मेकअप के तो वैसे ही रहते हैं, क्रीम पाउडर लगा के, अगर शादी के बाद भी अगर मेकअप ना करे तो फिर शादी का मतलब ही क्या होता है। शादी के बाद तो मेकअप करना बनता है, काजल, क्रीम पाउडर, सिंदूर, मेकअप, लिपस्टिक, बिंदी, अगर ये सब भी ना लगाए तो फिर कैसे पता चलेगा लोगों को कि हम मैरिड है कि नहीं है। तो भाई मुझे तो सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, किसी और के लिए ना भी सही तो मुझे अपने खुद के लिए सजना संवरना बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे इसके लिए मुझे कोई कितना भी जजमेंट करे, कोई कुछ भी कहे, गंदा बोले, भला बोले, बुरा बोले, जैसा भी मर्जी बोले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है गाइस। तो भाई ये तो अपना जो है अधिकार है मेकअप करना, तो चलिए बस हो गया है, अब मैं आप लोगों को मिलूंगी सीधा किचन में अपने, तो चलिए अब सामने बात करूंगी आप लोगों से। हेलो गाइस, तो गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ लंच, लंच में बनाने जा रही हूँ आलू की सब्जी, आलू की सब्जी बनाऊंगी लंच में। ओहो, तो लंच में बनेगी आलू की सब्जी एंड पूड़िया। मैं अभी आई प्याज लेके, आपको पता है मैंने अपने चैनल पे कुछ लोगों को हायर कर रखा है, हायर ऐसे कर रखा है मैंने कुछ लोगों को, क्योंकि कुछ लोग अपनी ड्यूटी जो है ना बड़े शिद्दत और बड़े ईमानदारी के साथ निभाते हैं। और पीएल मंजीत और उत्तराखंडी, अपना पेटीएम नंबर बता देना यार, महीना हो गया है, 10-10 रुपए मुझे ट्रांसफर करने हैं इन लोगों के अकाउंट में गाइस। मैं इनको 10 रुपए पर मंथ पे रखा है मैंने, मैं हर महीने इनके पेटीएम में 10 रुपए सेंड करती हूँ, क्योंकि मैंने इनको अपने चैनल पे ना ड्यूटी पे लगाया है, कमेंट करने के लिए, अपनी वीडियो देखने के लिए, ताकि समझ सकते हैं आप लोग। और ये लोग बेचारे अपनी ड्यूटी ना उतने शिद्दत से निभा रहे हैं बेचारे, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये बेचारे जो है ना कमेंट करना नहीं भूलते हैं, बड़े शिद्दत से कमेंट करते हैं ये लोग मुझे, और बड़ा प्यार देते हैं गाइस। मैं आप लोगों को क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, बहुत मतलब बहुत ईमानदार लोग हैं ये लोग। इन लोग एक्चुअली क्या है ना, मैं कुछ वैले लोगों को ढूंढ रही थी, बहुत दिनों से तलाश कर रही थी कि कुछ मुझे वैले लोग मिल जाए जो मेरी वीडियो भी देख ले और मेरा व्यू भी बढ़ा दे, और मैं उनको बेचारों को 10 रुपए पेटीएम कर दूंगी। अगर गाइस आप लोगों की नजर में कोई वैले औरतें हो ना, तो प्लीज उनको बोलना कि मेरे चैनल पे कांटेक्ट करे, मैं घर बैठे जॉब देती हूँ और 10 रुपए पेटीएम करती हूँ, वो भी बहुत ईमानदारी से। तो इन लोगों को मैंने हायर कर रखा है और बहुत ईमानदारी से मैं इनको हर महीने 10 रुपए पेटीएम कर देती हूँ, ये झूठ वाली बात नहीं है, ये 110% सच्ची बात है गाइस। मैं इनको 10 रुपए हर मंथ देती हूँ। देखो मेरा प्याज भी खराब निकल गया, 1 मिनट में अभी आई। तो अब बड़े ईमानदारी से मेरे पास 2 ही प्याज है, एक नहीं 2 प्याज है, और अगर ये दोनों सही निकल गए तो ओके ओके है, नहीं तो बिना प्याज का खाना बनाना पड़ेगा मुझे आज तो। मुझे तो नहीं लगता कि सही है, चलो देखते हैं, एक तो सही निकल गया। तो मैं फटाफट सब्जियां बनाऊंगी, आटा निकाल के रखा है, रोटियां बनाऊंगी, और फेंकने की आदत शालिनी को बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि तुम नल्ले लोगों को मैंने जॉब पे रखा है, मुझे बड़ा मजा आता है, ये नल्ले लोग जो है ना मेरी वीडियो बड़े शिद्दत से देखते हैं गाइस, बहुत शिद्दत से देखते हैं, और बेचारे उतने ही शिद्दत से मुझे कमेंट भी करते हैं बेचारे, क्या करें। इनको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार में तुम्हारी बहनें, तुम्हारे जीजा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे बाप, कोई और भी वेल्ले बैठा हो ना, तो उसको भी मेरे चैनल का एड्रेस जरूर बता देना, ताकि मैं तुम्हारे घर वालों को भी जॉब पे रख लूँ। उनको बताना कि शालिनी जो है ना 10 रुपए पेटीएम करती है और ईमानदारी से पेटीएम करती है। 10 रुपए तो पेटीएम मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं 10 रुपए पेटीएम आराम से कर दूंगी। तो उन लोगों को भी मेरे चैनल का एड्रेस
जरूर बता देना ताकि वो लोग भी आके मेरे चैनल पे विजिट करें, और उनको बोलना कि 10 रुपए जब ही मिलेंगे जब वो मेरी वीडियो देखेंगे और लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और इन वैल्यू के साथ 2-4 वैल्यू और मिल जाएंगे। अपन को क्या है, 10 रुपए दे देंगे, वीडियो देखने के थोड़ा बहुत व्यूज आ जाएगा, मेरे तो हो जाएंगे बल्ले बल्ले, इनके भी मजे आ जाएंगे। तो मंजीत PL और क्या है, उत्तराखंडी। तो तुम लोग अपने रिश्तेदारों को भी मेरे चैनल के बारे में बता देना ताकि मेरे चैनल के बारे में पता चल जाए उन लोगों को भी, और थोड़ा बहुत व्यूज बढ़ा देंगे, और बैड कमेंट भी करवा देना। 10 रुपए पेटीएम में चाहिए ना तुम्हारे, तुम लोगों की सैलरी पूरी हो गई, 1 महीना पूरा हो गया, तो पेटीएम ले लेना और अपने अपने पेटीएम नंबर स्क्रीन पे डाल देना ताकि मैं पेटीएम कर सकूं। तो ये हो गया गाइस फालतू की बातें, अब चलिए आते हैं काम की बातों के ऊपर। तो गुड आफ्टरनून गाइस, अब मैं अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबरों से भी बात कर लूं। तो कैसे हो गाइस आप सभी, आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे और ठंड का मजा ले रहे होंगे। मैंने तो ठंड को ना खूब इंजॉय किया है, बहुत ज्यादा इंजॉय किया है, और कितना भी ठंड पड़े ना, हालांकि 1-2 दिन बीमार भी हो गई थी, ठंड भी मुझे लगी गई थी, बट इट्स ओके, ठंड का मजा बिना ले तो क्या है यार। मुझे देख के तो अच्छे अच्छे लोग सीखते हैं, अच्छे अच्छे लोग कॉपी करते हैं, ये जो आते हैं ना चमचे, ये सब सालनी को देख के सीखते हैं, बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते, तो सालनी ना बड़ी बातें करती है ना बड़ा पाव यहाँ मिलता है, ठीक है। अपन जो बोलते हैं वही बोलते हैं, जो होता है वही कहते हैं, वही दिखाते हैं। अपन को शौक नहीं है दुनिया की कॉपी करने का, सालनी से तो दुनिया कॉपी करके जाती है, नाम भी ले दू ना पता फट जाएगी, कि फट के चार हो जाएगी। बड़े बड़े लोग भी सालनी की कॉपी करते हैं, जो अपने आप में घमंड करते हैं ना वो भी सालनी की कॉपी करते हैं। तो सालनी वही बोलती है जो सालनी के पास होता है, जो सालनी के पास दिखाने के लिए होता है, ठीक है। और अब आपको दिखाऊंगी अपनी न्यू शॉपिंग बहुत जल्दी गाइस, आप लोगों को ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगी, मंडे या ट्यूसडे तक अपनी शॉपिंग दिखाई दूंगी। ये है अपना प्रॉमिस कि मैं मंडे या ट्यूसडे को आप लोगों को अपनी शॉपिंग दिखा दूंगी। मंडे को तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हर ट्यूसडे को मैं जरूर दिखा पाऊंगी आप लोगों को अपनी शॉपिंग। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू की सब्जी, मैंने आलू उबाल के रख लिया है, आप लोगों को दिखा तो नहीं पाऊंगी, बट चलो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम करते समय ना आप लोगों से बात करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि काम इतने होते हैं ना कि काम को रोकना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कि काम रोक के, हाँ जिस दिन फ्री रहती हूँ ना उस दिन आप लोगों से जरूर काम रोक के बात करती हूँ। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ, तो जिस दिन मैं फ्री रहती हूँ उस दिन मैं जरूर आप लोगों से बैठ के बात कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं फ्री नहीं रहती तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो उबले आलू की सब्जी बना रही हूँ, और कोई ऑप्शन में है नहीं मेरे पास कुछ भी। मैंने प्याज मिर्ची और जीरे का तड़का लगा दिया है मैं एक्सप्लेन करके बता देती हूँ आप लोगों से। और अब मैं इसमें काट के डालने वाली हूँ टमाटर, आलू, और पहले तो सोच रही थी कि पराठे वगैरह बना लूँ, लेकिन फिर मूड चेंज हो गया मेरा, मुझे पता ना कि कोई खाएगा नहीं, और आलू के पराठे मुझसे बनते भी नहीं है सही से, इसी वजह से मैंने आइडिया जो है स्किप कर दिया है। और ठंड इतनी पड़ रही है ना, मेरे टमाटरों में बर्फ जम गया है, टमाटर जो है ना कट नहीं रहे, ये देखिए इनमें ना बर्फ जम गया है। और अब बनाऊंगी मैं एक कप चाय, और चाय का लेंगे मजा, अच्छा खासा मजा लेंगे, चाय का हाथ धो के पोछ के आती हूँ।
तो मेरी सिस्टर आने के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, रास्ते में कोई दिक्कत ना आ जाए, और अगर कोई प्रॉब्लम आ गई कोविड की वजह से ना, तो अकेले वो मैनेज नहीं कर पाएगी, परेशान हो जाएगी। मेरे को इतना ज्यादा डर लग रहा है ना, वो इतना ज्यादा जिद कर रही है आने के लिए ना, कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को। और वैक्सीन ना हो, उसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसकी वजह से उसका टिकट जो है ना कैंसिल हो गया। तो अब देखो वो कब आती है। कल वो सुबह वैक्सीन लगवाने जाएगी पहले, उसके बाद ही कोई चांस है यहाँ पे आने का। पहले मैंने उसको बोला कि जाके कल सुबह सुबह वैक्सीन करवा लो। एक्चुअली उसका आधार कार्ड खो गया है ना, तो अब तो बिना आधार कार्ड के भी वैक्सीन लग रहा है। तो मैंने उसको बोला है कि, दोनों को बोला है, जानवी और रिया को दोनों को बोला है कि जाके सुबह पहले वैक्सीन लगवा कर आओ। अच्छा आपको बताना कि हम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन लगता है, जानवी, रिया या शालिनी? आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मैं एक काम करूंगी, मैं तीनों की पिक्चर लगा रही हूँ, जानवी, रिया एंड शालिनी, तीनों की पिक्चर लगा रही हूँ। तीनों को देख के आप डिसाइड करके बताना कि तीनों में से, हम तीनों में से सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। गाइस जो सच्चाई होगी ना वही बोलना, और मुझे पता है बैड कमेंट करने वाले क्या बोलेंगे। तो भूत नहीं लगती है, मुझे पता है, पता है, आई नो। तो अब मसाला को भुनने देते हैं, और मैंने कपड़े भी लगाए धुलने के लिए, बालकनी धुली है, कपड़े धुले हैं सुबह सुबह, कपड़े फैला दिए हैं क्योंकि हल्की सी धूप हो रही है, ज्यादा धूप नहीं हो रही, हल्की हल्की धूप हो रही है। तो बालकनी धुल ली आप लोगों के सामने, झाड़ू लगा लिया है, देसी स्टाइल में झाड़ू लगाया है। और भी देसी स्टाइल में झाड़ू कैसे लगता है आई डोंट नो, बट मैंने देसी स्टाइल में काम करना स्टार्ट किया आजकल। सोचा कि थोड़ा सा कुछ इंडियन टाइप का काम किया जाए, बड़ा मजा आता है। तो मैंने देसी स्टाइल में आज झाड़ू लगाया है, पोछा लगाते हुए आप लोगों को नहीं दिखाया है, तो इसके लिए सॉरी। यहाँ पे हो गई मेरी सब्जी रेडी, अब मैं आटा लगा के आती हूँ फटाफट, जब तक ये भुनेगा। ये देखिए मैंने आटा भी निकाल लिया है, आटा लगा के आती हूँ, सब्जी को, मसाले को भुनने देती हूँ, और आलू से पानी निकाल लेती हूँ। ऐसे होता है मेरा काम। अभी मैं किचन में आई हूँ ना, तो कपड़े धोने के लिए लगा दिए, मेरा कोई काम रुकने नहीं चाहिए। मैं मेकअप भी करती हूँ, बहुत शिद्दत से करती हूँ, आई लव मेकअप। मेकअप शादी के बाद मेकअप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, नहीं तो आपको अनमैरिड में और मैरिड में क्या फर्क है? मैरिड से पहले तो लोग ऐसे घूमते हैं ना, बिना मेकअप के, बिना लिपस्टिक के, बिना सिंदूर के, बिना बिंदी के, और शादी के बाद अगर ये सब चीजें शौक ना पूरा करो तो क्या, जब बुढ़े हो जाएंगे ऐसे डंडा लेके चलेंगे तब लिपस्टिक लगाएंगे? तो ऐसे लोगों के पति ना भटक जाते हैं। जस्ट जॉकिंग। तो अपने को बिल्कुल भी शौक नहीं है ऐसे बेकार से बन के घूमने का, मुझे ऐसे ही रहना पसंद है जैसे मैं हूँ। मेरा शौक है, मैं अपना शौक पूरा करूंगी, बाकी जिसको भी मिर्ची लगती है लगने दो, मिर्ची लगती है, मुझे बड़ा मजा आता है, सच्ची बता रही हूँ। तो इनको मिर्ची लगती रहेगी, और अपना काम है इनका नीचे से जलाना। तो चलो आटा लगा के आते हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पे चार पूड़िया ही बनाई है, ज्यादा नहीं बनाया है, और आलू की सब्जी है, चार पूड़ियाँ हैं, और यही हमारा आज का लंच है। तो चलिए लंच करते हैं, इसके बाद आपसे मिलते हैं। क्या है हमारा लंच, अब मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि मुझे लगी है बहुत जोरों की भूख। 1 मिनट पानी निकाल लेती हूँ। तो लंच हो गया है, बन गया है, हो नहीं गया, अभी करने जा रहे हैं पूरी सब्जी और अचार। सब्जी घर में कुछ थी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पूरी सब्जी बना ली। आ बेटा एक पूरी खा लो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, आलू की सब्जी अच्छी लगती है ना, खा लो, दवाई चल रही है ना, जल्दी आओ। तो लंच करके उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो वीडियो का एंड करने से पहले आप लोगों के साथ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ मैं, और आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि अभी फ्लिपकार्ट पे बहुत ही जबरदस्त वाला सेल चल रहा है, इंडिया का फैशन सेल चल रहा है। तो अगर आप लोगों के घर में कोई फंक्शन है, शादी है, तो आप लोग जाके इस
सेल आउट का फायदा उठा सकते हैं गाइस। आपको बहुत सारे अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे सारे कॉस्मेटिक और ज्वेलरी ड्रेसेस सारे बहुत ही अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। ऐसे ही नहीं, फ्लिपकार्ट इंडिया का फैशन कैपिटल बन गया है, बहुत ही अच्छा खासा सेल चल रहा है गाइस। मैंने इस सेल का जबरदस्त वाला फायदा उठाया है, तो आप लोग भी जाइए और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करिए। अगर आप लोगों के घर में भी कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, बर्थडे के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, आप यहाँ पे अच्छा खासा सेल का फायदा उठा सकते हैं। अभी इंडिया का फैशन वीक जो है, सो गाइस 70% से 91% का डिस्काउंट चल रहा है ऑल प्रोडक्ट पे। आप देख सकते हैं ये इस सैंडल पे 33% का डिस्काउंट है और ऑल साइजेस अवेलेबल है। यहाँ पे आप अपने लैंग्वेज में शॉपिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा हर प्रोडक्ट पे यहाँ पे सेल चल रहा है, चाहे वो ड्रेसेस हो, चाहे वो क्लचेज हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो मेकअप प्रोडक्ट हो, चाहे वो किचन आइटम हो, चाहे वो डेकोरेशन का आइटम हो, हर प्रोडक्ट पे गाइस यहाँ पे अच्छा खासा सेल देखने को मिलेगा। तो गाइस मैंने यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग किया है और इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाया है, तो आप लोग भी जल्दी से इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। अभी बहुत ही अच्छा खासा फ्लिपकार्ट पे ऑफ़र चल रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो है डिस्काउंट मिल रहे हैं। 91% तक का डिस्काउंट मिल रहा है आपको ऑल प्रोडक्ट पे। तो ये वाला सैंडल मैंने बाई किया है और ऐड टू कार्ट कर लिया है। मैं यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग फटाफट करना चाहती हूँ और इस सेल का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ। चल रहा है और यहाँ पे 70% से 91% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको सभी प्रोडक्ट पे, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो सैंडल हो, चाहे वो पर्स हो, चाहे वो ड्रेसेस हो, हर चीज़ पे आपको बहुत ही अच्छा खासा सेल मिल रहा है गाइस। तो अगर मैंने सोचा कि मैंने इस सेल का फ़ायदा उठाया है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए। तो अभी जाइए फटाफट जो है फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करिए, आप बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट पा सकते हैं। और ऐसे ही नहीं, फ्लिपकार्ट इंडिया का फैशन कैपिटल बन गया है और यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छा खासा सेल चल रहा है। और गाइज यहाँ पे लैंग्वेज की भी काफ़ी इजी होने वाला है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं आता है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अपने खुद के लैंग्वेज में आप यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज में। और गाइज यहाँ पे एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी जो है ना, बहुत ही अच्छी खासी है। सो गाइज यहाँ पे एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी की भी कोई दिक्कत नहीं है। 7 डेज के अंदर आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है या साइज में कोई इशू आ जाता है, तो आप बहुत ही इजिली यहाँ पे जो है प्रोडक्ट को एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी एंड पेटीएम, फोन पे, हर तरह के पेमेंट का आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा। तो गाइज अभी क्या कर रहे हो, जाओ फटाफट और इस सेल का फायदा उठाओ। मैंने सोचा कि यार मैं अगर इस सेल का फायदा उठा रही हूँ, तो आप लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर किया जाए, ताकि आप लोग भी इस सेल का फायदा उठा सके। तो चलिए मिलती हूँ एक और इंटरेस्टिंग से वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करके रखना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। तो बाय बाय।